जय सच्चिदानंद फ्रेंड्स, सुनता राजपूत के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे काले चने की ग्रेवी वाली सब्जी। इसके लिए मैंने काले चने लिए हैं, इसको रात में भिगो दिया है, दो तीन बार धुलाई किया फिर भिगो दिया था रात भर के लिए। ये भीग चुका है और इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसकी पानी सहित ही हम इसको कुकर में डाल के उबालेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन आ चुका है इसलिए फेंकेंगे नहीं हम इसको। हम कुकर में डालेंगे और इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, और इसको 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, अच्छे से इसको गला लेंगे, पका लेंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। अभी हमने तवे पे लिया है 1 चम्मच तेल, इसमें डालेंगे हम 2 रफली चॉप्ड प्याज लिए हैं, इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये प्याज अभी पक चुका है, अब इसमें हम डालेंगे सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ, ये करीब 3 से 4 चम्मच लिया है मैंने, इसको भी हम तवे पे भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 8 से 10 कलियां लहसुन की, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, वो भी इसको हम भून लेंगे तवे पे, और गैस ऑफ कर देंगे, और वो जब ठंडा हो जाएगा तब हम उसको पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे, लोहे की कढ़ाई ली है मैंने, इसमें डाला है हमने कुकिंग ऑयल, इसमें डालेंगे हम तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच हींग। इसको पका लेंगे और जो हमने अभी मसाला तैयार किया था वो पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे, उसमें प्याज, सूखा नारियल, लहसुन और अदरक का टुकड़ा था, अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अब ये भून चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम देसी टमाटर लिए हैं मैंने, 2 लिए हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच ये करीब मैंने अमचूर पाउडर लिया है, आप जितना खट्टा खाते हो उस हिसाब से ले सकते हैं, और कस्तूरी मेथी लिए 1 चम्मच क्रश किया हुआ है, और इसमें डाल देंगे नमक, नमक हमने पहले भी डाला है फिर उस हिसाब से ही हमें नमक डालना है, और इसमें डाल देंगे हम हल्दी, और इसमें डालेंगे तीखी लाल मिर्च 2 चम्मच। अब ये मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। ये चना भी हमारा अच्छे से गल चुका है इस तरीके से। मसाला भी हमारा पक चुका है, तेल अलग हो चुका है इसमें से। अब इसमें हम उबले हुए चने डाल देंगे, पूरा चना नहीं डालेंगे, थोड़ा सा चना बचा के रखेंगे, और इसको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे, बहुत बारीक भी नहीं पीसना है, थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छे से क्रश करेंगे, और ये क्रश किया हुआ चना भी इसमें डाल देंगे हम अपनी सब्जी में, ग्रेवी वाली सब्जी में। और पानी आपके हिसाब से जितना डालना है उतना डाल सकते हैं। अब इसको धीमी आंच पे कम से कम 5 मिनट तक हम पकाएंगे, और हरी धनिया से गार्निशिंग करेंगे, और ये तैयार हो गई हमारी सब्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सब्जी हमारी एकदम सब तैयार हो गई है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। जय सच्चिदानंद।